इस कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने चीन से Z-10ME लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की शुरुआत कर दी है। ब्रेकिंग पॉइंट्स के मौजूद दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने दोबारा तुर्की को T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की डील में मजीद मोहलत दे दी है, जो कि पहले से ही काफी लेट हो चुके हैं। तुर्की के टॉप ऑफिशियल इस्माइल दमीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमें 6 महीने मजीद दे दिए हैं। T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों को बताता चलूं कि फ्रांस के AS-350 हेलीकॉप्टर्स के एक बैच की इस वक्त फ्लाइट टेस्टिंग जारी है। इत्तलात के मुताबिक टेस्टिंग के मराहिल को मुकम्मल करने के बाद ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को जल्द ही डिलीवर कर दिए जाएंगे। दोस्तों 2018 में पाकिस्तान ने तुर्की के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर को अपनी फ्लीट में शामिल करने के लिए सिलेक्ट किया था। पाकिस्तान इन नए हेलीकॉप्टर्स को अपने AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर से रिप्लेस करना चाह रहा था, जो कि पाकिस्तान ने 1980 में हासिल किए थे। मगर इन बातों की तफसील में जाने से पहले मेरी चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। पाकिस्तान ने T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील तुर्की के साथ $1.5 बिलियन में की थी, जिसके तहत पाकिस्तान को 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर मिलना थे, लेकिन अमेरिका की पाबंदियों की वजह से ये रुकी हुई डील आखिरकार तब खत्म हुई जब तुर्की की तरफ से वाशिंगटन में लॉबिंग के बावजूद अमेरिकी ओहदेदारान ने पाबंदियां हटाने से इनकार कर दिया। अमेरिका की सरगर्मी की वजह से तुर्की ने अपने नए अटैक टू हेलीकॉप्टर्स यानी T-929 के लिए यूक्रेनियन इंजन को मुंतखिब किया है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री के सरबरा तैमल कोटल के मुताबिक तुर्की इब्तदाई तौर पर अपने इन हैवी हेलीकॉप्टर्स के लिए यूक्रेन से इंजन खरीदेगा, बाद में इन इंजन को मकामी सतह पर तैयार करेगा। इस हेलीकॉप्टर को रशियन MI-28 और अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर्स के हमपल्ला करार दिया जा रहा है। T-129 दो इंजनों पर मुश्तमिल मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है और इसका एक इंजन 1014 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करता है। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से काफी मजबूत कर सकता है, क्योंकि ये किसी भी तरह के हालात में काम करने की सलाहियत रखता है। दिन हो या रात, ये हेलीकॉप्टर दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने की मुकम्मल सलाहियत से माला माल है। ये हेलीकॉप्टर तुर्कश एरोस्पेस इंडस्ट्री, अमेरिकन कंपनी हनीवेल और ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस मिलकर बनाती है। पाकिस्तान और तुर्की की डील इसलिए ताखीर का शिकार है कि अमेरिका ने हनीवेल कंपनी को इन इंजन के एक्सपोर्ट लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। मतलब अमेरिका ने इन इंजन को तुर्की को देने पर पाबंदी लगा दी थी, जो कि इसी वजह से थी कि तुर्की रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम ले रहा था। यही नहीं, अमेरिका ने तुर्की के साथ F-35 जेट की डील भी आरजी तौर पर खत्म करती थी। अमेरिका की तुर्की को इंजन की फराहमी पर पाबंदी के बाद जनवरी 2020 में पाकिस्तान ने तुर्की को दी जाने वाली डेडलाइन को 1 साल की तोसी दे दी थी। उस वक्त तुर्की की हुकूमत ने तुर्कश एरोस्पेस इंडस्ट्री के सिस्टर कंपनी तोसास इंजन इंडस्ट्री को टास्क दिया था कि वो T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के लिए देसी इंजन तैयार करे। इस्माइल दमीर ने उस वक्त बयान दिया था कि पाकिस्तान ने हमें 1 साल का टाइम दिया है और इस दौरान हमें उम्मीद है कि हम T-129 को पावर देने के लिए इंजन डेवलप कर लेंगे। 1 साल के बाद पाकिस्तान हमारे इंजन प्रोग्राम से मुतमईन हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि US गवर्नमेंट पाबंदी उठा दे। दोस्तों 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अमेरिका की हुकूमत ने अमेरिकन कंपनी हनीवेल के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी, और दूसरी तरफ तुर्की ने 11 दिसंबर 2020 को TS-1400 इंजन भी पब्लिक में इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जो कि टर्बोशाफ्ट इंजन है। इस इंजन को तुर्की के T-625 हेलीकॉप्टर पर इंस्टॉल करने का प्लान किया गया, जो कि एक ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसके बाद ये भी अनाउंस किया गया कि ये इंजन T-129 अटैक हेलीकॉप्टर में भी
लगाए जाएंगे। दोस्तों तुर्की के इस इंजन की पावर 1000 किलोवाट है, जबकि अमेरिका के इंजन की पावर 1014 किलोवाट है। दोस्तों कई डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान के पास चाइनीज Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर का ऑप्शन भी मौजूद है। तुर्की का हेलीकॉप्टर सिलेक्ट करने से पहले चीन ने पाकिस्तान को 3 अदद Z-10 हेलीकॉप्टर ट्रायल के लिए भेजे थे, लेकिन वो पाकिस्तान को मुतासर करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से उसे रिजेक्ट करना पड़ा। बहरहाल कहीं से भी हेलीकॉप्टर की डील फाइनल ना होने की सूरत में पाकिस्तान दोबारा चीन से Z-10 हेलीकॉप्टर्स को खरीद सकता है, जिसे चीन ने रिजेक्ट होने के बाद अपग्रेड भी किया था। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की नजरें तुर्की के बनाए हेलीकॉप्टर्स पर जमी हुई हैं कि किसी भी तरह से ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को मिल जाएं। इसीलिए पाकिस्तान ने तुर्की को मजीद और 6 महीने का टाइम दिया है, जिसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान चाहता है कि तुर्की चाहे अमेरिका के बनाए हुए इंजन को इस्तेमाल करे या फिर अपने बनाए हुए इंजन को, लेकिन 6 माह तक उसकी डिलीवरी को यकीनी बनाए। तुर्की के बनाए T-129 हेलीकॉप्टर या फिर चाइना के बनाए हुए Z-10 हेलीकॉप्टर में से कौन सा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को खरीदना चाहिए, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।